वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक मशीन की नई सीरीज को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। और ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके SSC JEE, LMRC JEE, UPPCL JEE के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और ये SSC JEE में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कवर किए जाएंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप पहले 10 सेकंड्स का टाइम आपको दिया जाता है, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद इसका हम आंसर बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। विच इज टू बी शॉर्ट सर्किटेड ऑन परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने पे हम लोग किस साइड को हम लोग क्या करते हैं, कौन सी साइड ऐसी होती है जिसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, लो वोल्टेज साइड। दूसरा ऑप्शन दिया है हाई वोल्टेज साइड। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्राइमरी साइड। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सेकेंडरी साइड, यानी कि किस साइड हम लोग जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है, तो उस वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट हम लोग करते हैं उसके लो वोल्टेज साइड को। ठीक है, लो वोल्टेज साइड को हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज साइड में ही क्या होता है, आपका हाई करंट फ्लो होती है। ठीक है, और हमारा मेन काम क्या है शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने का, यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करंट कितनी आपकी मैक्सिमम फ्लो होती है, तो वो उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं और लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग को हम लोग शॉर्ट करते हैं। अगर हाई वोल्टेज साइड को हम लोग शॉर्ट करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका उस केस में आपका क्या होगा बताइए, उस केस में आपका शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लो वोल्टेज साइड को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। तब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं हम ट्रांसफार्मर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, ए सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ 2200 × 220 V। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की अगर बात करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की अगर बात करें, तो ये क्या होता है, V2/V1 = N2/N1, यही होता है, सॉरी N1। तो यहाँ से V2/V1 की वैल्यू दे दी गई है, तो V1 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 2200। V2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 220 V। तो यहाँ से अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या निकल के आएगा, V2/V1 = V2 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 220 V, अपॉन V1 की वैल्यू कितनी दी है, 2200। इसको आप कैंसिल करिए, और जो कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/10, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका कितना आया, 1/10। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, पढ़िए सॉल्व करिए, आप पहले खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन में कहा गया है, इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर
रिवर्सिंग द सप्लाई इन टू फेज टू ऑफ द फेजेस इज कॉल्ड, यानी कि आपका क्या है, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर हम लोग लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम लोग इसकी स्टेटर वाइंडिंग को, स्टेटर फेजेस को क्या करते हैं, हम जानते हैं कि स्टेटर में ही आपकी थ्री फेज सप्लाई देते हैं। अब थ्री फेज सप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, इसके टू फेजेस को रिवर्स कर देते हैं। टू फेजेस को रिवर्स करने पे क्या होता है, जब ये टू फेजेस को रिवर्स हम लोग कर देते हैं तो ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो जब भी हम लोग ध्यान देंगे कि थ्री फेज में अगर टू फेज को अगर रिवर्स कर देते हैं तो उस केस में फेज को रिवर्स करना ही क्या कहलाता है, आपका प्लगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लगिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द ड्राइव मोटर यूज्ड इन ए मिक्सर ग्राइंडर इज ए। अब देखिए आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं कि चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा मोटर आपका मिक्सर ग्राइंडर में यूज किया जाता है, मिक्सर ग्राइंडर में कौन सा मोटर यूज किया जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे यूनिवर्सल मोटर यूज किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी आपका यूनिवर्सल मोटर है, तो यूनिवर्सल मोटर के बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। यूनिवर्सल मोटर, तो यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, हमेशा याद रखें कि यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर होता है जो हम एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है। और इसकी एक खासियत क्या होती है कि अगर ये मोटर है तो इस मोटर की जो रेटिंग होती है लगभग हमेशा 1000 वाट रेटिंग से लेस ही रेटिंग होगी किसकी, यूनिवर्सल मोटर। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट आपका याद रखेंगे कि यूनिवर्सल मोटर जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो यूनिवर्सल मोटर होता है ये हाई स्पीड मोटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यूनिवर्सल मोटर से, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, द कैपेसिटर यूज्ड इन ए सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर हैव नो, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब देखिए उसमें क्या पूछा गया है कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। अब सिंगल फेज इंडक्शन में आपका कैपेसिटर टाइप का एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को यूज करते हैं एज ए स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए, ये चीज हम जानते हैं। अब इसमें यह कहा है कि जो इस कैपेसिटर यूज किया जाता है तो इस कैपेसिटर में, इस कैपेसिटर की क्या क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसमें, ये देखो क्वेश्चन में पहले क्या है, वोल्टेज रेटिंग नहीं होनी चाहिए, तो वोल्टेज रेटिंग तो होगी, ठीक है। तो वोल्टेज रेटिंग ये सही हो जाएगा ऑप्शन। डायलेक्ट्रिक मीडियम, तो डायलेक्ट्रिक मीडियम भी होगा, सही है। पोलरिटी मार्किंग, तो ये चीज आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कैपेसिटर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, अब इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आप जानते हो किस पे ऑपरेट करता है, एसी पे ऑपरेट करेगा, एसी ऑपरेट करेगा। और एसी पे ऑपरेट करने पे हम जानते हैं कि कोई भी नो पोलरिटी मार्किंग, कोई भी पोलरिटी की मार्किंग नहीं होती है। यदि आपका मोटर जो डीसी पे ऑपरेट करता है तो डीसी के केस में आप जानते हो पोलरिटी मार्किंग होती है, यानी कि पोलरिटी मार्किंग का मतलब प्लस और नेगेटिव में आप शो करते हो पोलरिटी मार्किंग को लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इसमें ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैल्यू भी आपकी होती है तो ये भी,
लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है मोटर है नो नहीं रखता है, तो ये पोलैरिटी मार्किंग नहीं रखता है, ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है सॉल्व करिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए हाउ विल बी द टोटल कैपेसिटेंस चेंज व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि दो कैपेसिटर हैं आपके, अब दो कैपेसिटर को आप जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मान लिया हमने दो कैपेसिटर लिए, इन कैपेसिटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में आपको क्या बताना है, सी इक्विवेलेंट बताना है, यानी कि टोटल जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है। देखिए पहले ऑप्शन में लिखा है कि टोटल कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस डिक्रीज, टोटल जो कैपेसिटेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा जब आप पैरेलल में लगाओगे। थर्ड ऑप्शन है मेन वैल्यू गिव्स द न्यू वैल्यू। फोर्थ ऑप्शन है द टोटल कैपेसिटेंस इज फाउंड बाय रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपका कैपेसिटेंस की बात आती है, कैपेसिटर की बात आती है, कैपेसिटर की बात आती है, तो हमेशा पैरेलल के केस में आप ध्यान रखेंगे पैरेलल के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू डायरेक्टली ऐड हो जाती है, यानी कि डायरेक्टली ऐड होने का मतलब टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 + C2, तो जब डायरेक्टली ऐड हो जाएगी तो हम जानते हैं ऐड करने पे आपका क्या होगा, जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही अगर कैपेसिटर सपोज करिए क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाता कि कैपेसिटर आपका ये सीरीज में लगे हैं, तो इस केस में आपका ये कैपेसिटर क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया जाता तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इस केस में आप क्या कहते कि जो सीरीज वाला होता है उसको हम एज ए पैरेलल इंपीडेंस की तरह यूज करते हैं, जैसे तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे हम मानते हैं C1 ये है, C2 ये है, तो टोटल कैपेसिटेंस सीरीज के केस में क्या हो जाता है, C1 × C2 / C1 + C2, यानी कि हमेशा आप ध्यान रखेंगे जो इंपीडेंस होता है या रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो सीरीज में आपका डायरेक्टली ऐड हो जाता है और पैरेलल में आपको 1/R1 + 1/R2 करके होता है, लेकिन सेम चीज अगर कैपेसिटेंस की बात आ जाए तो ये चीज आपकी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें, कैपेसिटर जो होता है सीरीज में वो आपका एज ए पैरेलल वर्क करेगा और पैरेलल में होता है उसको डायरेक्टली हम सीरीज में ऐड कर सकते हैं। तो यहां से हम देखा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपको, पैरेलल को पैरेलल में लगाया गया है दो कैपेसिटर, तो पैरेलल में लगाने से क्या है, हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज होने की वजह से हमारा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोटल कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, इन ए सिंक्रोनस मोटर द रोटर कॉपर लॉस आर मेट बाय, यानी कि आपको क्या कहा है, एक सिंक्रोनस मोटर दिया गया है, एक सिंक्रोनस मोटर दिया है और इस सिंक्रोनस मोटर में आपको बताना है कि जो रोटर कॉपर लॉस होता है वो किसकी वजह से मिलता है, बताइए आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है आर्मेचर का इनपुट, दूसरा है डीसी सोर्स और तीसरा ऑप्शन दिया है मोटर इनपुट, फोर्थ ऑप्शन दिया है सप्लाई लाइंस, आंसर बताइए। तो देखिए इन्होंने कहा है कि रोटर कॉपर लॉस, तो रोटर कॉपर लॉस का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि सिंक्रोनस जो मोटर होता है या सिंक्रोनस जो मशीन होती है, सिंक्रोनस मशीन में आपका रोटर जो होता है तो रोटर पे आपकी कैसी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, और रोटर पे जब फील्ड वाइंडिंग होती है तो और इस फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, डीसी सोर्स से कनेक्ट करके क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, तो जब डीसी सोर्स से एक्साइट करेंगे तो हम जान सकते हैं डीसी करंट फ्लो होगी वाइंडिंग में, डीसी करंट फ्लो होगी और डीसी करंट जब फ्लो होगी तो हम जानते हैं इस डीसी करंट की वजह से हमारा क्या होगा, रोटर पे कैसा होगा, कॉपर लॉस होगा,
ठीक है। तो हमारा किसकी वजह से हो रहा है, देख सकते हो आंसर क्या हो जाएगा, डीसी सोर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या इसका आंसर, ट्राई करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे इसमें से। तो क्वेश्चन में पूछा गया था चेंज ऑफ डीसी एक्साइटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर चेंजेस, यानी कि आपको क्वेश्चन में कहा है कि एक सिंक्रोनस मोटर है, इस मोटर में अगर डीसी एक्साइटेशन को हम लोग चेंज करते हैं तो हमारा कौन सा इनमें से ऑप्शन है कि कौन सा चीज आपका चेंज हो जाएगा। पहली तो ऑप्शन दिया गया मोटर की स्पीड चेंज होगी, या दूसरा ऑप्शन है अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द मोटर, थर्ड ऑप्शन दिया पावर फैक्टर ऑफ द मोटर, और डी ऑप्शन दिया ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, यानी कि सभी ऑप्शन सही है। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए हमेशा चीज आप कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपकी डी सिंक्रोनस मशीन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सिंक्रोनस मशीन में आपका याद रखना क्या है, या तो आपका जनरेटर हो सकता है या क्या हो सकता है, मोटर हो सकता है। अब जनरेटर में हमेशा ध्यान रखना, जो ये जनरेटर के केस के लिए हम बता रहे हैं कि आपका जनरेटर में जो मेन फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स जो होता है वो क्या करता है, लीड करता है किससे, एयर गैप फ्लक्स से, एयर गैप फ्लक्स से, और एयर गैप फ्लक्स क्या करता है, लीड करता है किससे, आर्मेचर फ्लक्स से, आर्मेचर फ्लक्स से। तो इसी बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि जो आर्मेचर का जो मेन फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, वो लीडिंग नेचर का होता है, कैसा होता है, लीडिंग नेचर का होगा। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी आपको सिंक्रोनस जनरेटर की बात करेंगे तो सिंक्रोनस जनरेटर में आपका जो फ्लक्स होगा, मेन फ्लक्स होगा, सिंक्रोनस जनरेटर में जो मेन फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, लीडिंग नेचर का होता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब यदि हम मोटर की अगर बात करें सिंक्रोनस मोटर में, तो सिंक्रोनस मोटर में हमेशा ध्यान देना जो मेन फ्लक्स होता है, यानी कि मेन फ्लक्स जो होता है वो कैसा होता है, लैग करता है किससे, एयर गैप फ्लक्स से, एयर गैप फ्लक्स से, और एयर गैप फ्लक्स क्या करता है, लैग करता है किससे, आर्मेचर फ्लक्स से, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो मोटर में होता है वो मेन फ्लक्स हमेशा क्या करेगा, लैगिंग नेचर का होता है, कैसा होता है, लैगिंग नेचर का होता है। तो इतनी चीज आपको अगर समझ में आ गई है, अब हम देखते हैं समझते हैं एक्साइटेशन को। तो जब भी आप बात करते हैं एक्साइटेशन की, अब एक्साइटेशन को हम लोग समझते हैं, तो एक्साइटेशन में भी अगर आपका डीसी जनरेटर है, पहले डीसी जनरेटर के लिए समझ लेते हैं, तो डीसी जनरेटर के सॉरी सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में समझते हैं। एक्साइटेशन एक्साइटेशन तो देखिए आपके एक्साइटेशन तीन टाइप के एक्साइटेशन होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन, दूसरा होता है अंडर एक्साइटेशन, और थर्ड जो होता है वो नॉर्मल ओवर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, ठीक है। ऐसे ही आपके मोटर के केस में भी हो जाएगा। मोटर अगर हम लोग लेते हैं तो मोटर केस में तीन टाइप के एक्साइटेशन होंगे, नॉर्मल एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, ये तीन टाइप के एक्साइटेशन होते हैं। अब ये देखिए तीनों टाइप के एक्साइटेशन होते हैं, तो नॉर्मल एक्साइटेशन कब होता है, तो कब कहलाता है, जब आपका पावर यूनिटी पावर फैक्टर पे हम लोग एक्साइट करते हैं, क्या यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या मिलता है आपका, नॉर्मल एक्साइटेशन, और अंडर एक्साइटेशन किस पे मिलता है आपका, लीडिंग एक्साइटेशन पर,
लीडिंग पावर फैक्टर पे कैसा मिलता है जनरेटर के केस में, अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन। सिंक्रोनस जनरेटर की अगर बात करें तो ये लैगिंग पावर फैक्टर पे मिलता है। ऐसे ही अगर मोटर में करें तो मोटर की हमारा जस्ट आपका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हम सोच सकते हैं क्या, यानी कि नॉर्मल के लिए तो आपका यूनिटी पे ही मिलेगा मोटर के केस में भी, और अंडर एक्साइटेशन में हम जानते हैं कि हमारा अंडर एक्साइटेशन के केस में मोटर में लैगिंग नेचर होता है, तो अंडर में क्या हो जाएगा, ये लैगिंग बनेगा लैगिंग नेचर का। लेकिन ओवर एक्साइटेशन में क्या हो जाएगा हमारा, ये लीडिंग पावर फैक्टर पे मिलेगा। ठीक है, तो इतने कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हो अच्छे से तो एक्साइटेशन से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी बेसिकली आपका जो एक्साइटेशन किया जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम लोग एक्साइटेशन को चेंज करते हैं तो हमारा क्या चीज़ चेंज होगा। तो एक्साइटेशन में हमेशा ध्यान देना, एक्साइटेशन जो आपके तीन टाइप के हो रहे हैं, ये तीनों एक्साइटेशन किस पे बेसिस हैं, आपके लोड के पावर फैक्टर पे, यानी कि पावर फैक्टर के पे डिपेंड कर रहे हैं। तो देखिए पावर फैक्टर लैगिंग का है या लीडिंग का है या यूनिटी का है, तो ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, उसके एक्साइटेशन के बेसिस पे। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा फिर, पावर फैक्टर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर आप डीसी एक्साइटेशन को चेंज करोगे तो आपका उस केस में पावर फैक्टर जो है वो चेंज होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल एक्साइटेशन करते हो तो यूनिटी पावर फैक्टर, अगर मोटर की बात करें तो नॉर्मल के लिए यूनिटी, अंडर के लिए लैगिंग लीडिंग, और ओवर के लिए लीडिंग, इस तरीके से आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज। अब देखिए इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि एक सिंक्रोनस मशीन है आपकी, ठीक है, हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है वो आपकी स्टेटर पे होती है, और जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आपकी रोटर पे होती है, ये चीज हम जानते हैं। तो इन्होंने ये कहा है, और डीसी मशीन की अगर बात करें, डीसी मशीन में, तो डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है रोटर पे, और फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होती है, आपकी स्टेटर पे। अब इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में कि अगर हम लोग सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर वाइंडिंग को आर्मेचर पे अगर प्लेस करते हैं तो हमारे क्या क्या एडवांटेज होंगे, किससे कंपेयर कराया है, इससे कि अगर डीसी मशीन से अगर कंपेयर कराएं तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्टेटर वाइंडिंग को अगर आर्मेचर पे रखते हैं तो हमारे क्या क्या एडवांटेज मिल लेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स, तो बिल्कुल सही बात है, आपका जो नंबर ऑफ स्लिप रिंग है वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि रोटर पे आप जब सप्लाई दे रहे हो डीसी, यानी कि डीसी सप्लाई दोगे तो नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स भी आपके रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि डीसी सप्लाई के केस में कैसे कितनी स्लिप लगेंगी, दो स्लिप लगेंगी। लेकिन अगर यही एसी आप देते थ्री फेज तो थ्री वायर होते, थ्री पैरेलल पाथ होते, वहां से थ्री स्लिप रिंग्स की रिक्वायरमेंट होती, लेकिन यहाँ पे आपको डीसी सप्लाई दे रहे हो रोटर पे, इसलिए हमारी जो स्लिप रिंग्स होती हैं वो भी कम लगेंगी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया, डिफिकल्टी ऑफ प्रोवाइडिंग हाई वोल्टेज इंसुलेशन ऑन रोटर। अब देखिए क्या कहा है कि रोटर पे हम लोग जब अगर आपका रोटर पे अगर आर्मेचर वाइंडिंग करते हो तो रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग करने से हम जो है वोल्टेज का इंसुलेशन प्रोवाइड कराने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में हम जानते हैं कि आपका वोल्टेज जो होता है वो बहुत हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज होने की वजह से हम जानते हैं वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंसुलेशन के, तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। और रोटर पे अगर होगा तो रोटर आपका इंटरनल पार्ट है, तो इसके लिए हम लोग क्या होती है रोटर पे इंसुलेशन प्रोवाइड कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, डिफिकल्ट ऑफ प्रोवाइडिंग हाई वोल्टेज इंसुलेशन ऑन रोटर। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया, आर्मेचर इज एसोसिएटेड विद लार्ज पावर एज कंपेयर टू फील्ड सर्किट्स। अब देखिए ऑप्शन सी को समझते हैं, ऑप्शन सी में कहा गया है कि अगर कि आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर में आप लार्ज पावर को
यानी कि आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर जो आपकी लार्ज पावर से रिलेटेड होती है। अब लार्ज पावर क्यों होगी, क्योंकि आप जानते हो आर्मेचर में हाई वोल्टेज इंड्यूज होता है, तो हाई वोल्टेज इंड्यूज होने की वजह से ही आपका पावर भी हाई पावर होगी इसमें, है ना। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सही इसमें आ रहे हैं, तो इसका आंसर पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो इतनी जानकारी अगर आपको पता है इसके बारे में, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर द स्टेटर एंड रोटर फील्ड्स रोटेट्स साइमल्टेनियसली, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से आपका स्टेटर और रोटर साइमल्टेनियसली आपके रोटेट करते हैं, तो वो कौन सा मोटर होगा, किस मोटर में आपके साइमल्टेनियसली रोटर और स्टेटर फील्ड रोटेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं कि सिंक्रोनस जो मोटर होता है, इस सिंक्रोनस मोटर में जो रोटेटिंग जो स्टेटर फ्लक्स होता है, स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स, ये क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली रोटेट करते हैं एक दूसरे के। ठीक है, इसीलिए क्या होता है ये, इसीलिए इस मशीन को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर द स्टेटर एंड रोटर फील्ड्स रोटेट साइमल्टेनियसली। देखिए भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर ऑफ इट्स फील्ड करंट इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका अगर सपोज करिए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर है, अब ये सिंक्रोनस मोटर में अगर आपकी फील्ड करंट को क्या कर दिया है, रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करने पे आपका क्या इफेक्ट आएगा बताइए। पहला तो आपका दिया गया ऑप्शन, बाइंडिंग ऑफ द मोटर विल बी बर्न, यानी कि जो मोटर की बाइंडिंग है वो भी आपकी क्या जल जाएंगे। दूसरी चीज, द मोटर विल स्टॉप, मोटर जो है आपका रुक जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, द मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, मोटर जो है वो रोटेट रिवर्स डायरेक्शन में करने लगेगा। फोर्थ ऑप्शन है, द मोटर कंटिन्यू टू रन इन सेम डायरेक्शन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जब आप फील्ड करंट का मतलब क्या, एक्साइटेशन को अगर आप रिवर्स कर देते हैं, तो उस केस में मोटर जो है आपका सेम डायरेक्शन में ही रोटेट होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द मोटर कंटिन्यू टू रन इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होगा, जब आप फील्ड करंट को चेंज करते हैं उस केस में जो मोटर का इनर्सिया होता है, हाई इनर्सिया होती है, तो हाई इनर्सिया में की वजह से क्या होगा, सेम ही डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, द बैक ईएमएफ ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स ऑन, यानी कि एक सिंक्रोनस मोटर है, उस सिंक्रोनस मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए, स्पीड पे डिपेंड करेगा, या लोड पर, या लोड एंगल पर, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि या तो सभी में, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा आंसर बताइए। तो हमेशा ध्यान रखना, जो सिंक्रोनस मोटर का बैक ईएमएफ होता है ईवी, ये डिपेंड करता है किस पे, आपके लोड के एंगल पर, लोड एंगल पर। ठीक है, लोड एंगल क्या होता है, डेल, इसके एंगल पर डिपेंड करता है, अगर ये बढ़ाओगे तो उसी हिसाब से आपका बैक ईएमएफ भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है,
फ्लेमिंग एंड रूल्स इज यूज टू फाइंड। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि फ्लेमिंग के दो टाइप के रूल होते हैं, एक फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो दोनों चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये केस कहाँ पे यूज होता है, जनरेटर के केस में। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो मोटर के केस में यूज होता है। अब बात करते हैं कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल होता है वो आपका क्या बताता है, क्या यूज करता है, क्या फाइंड करता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, देखिए जब करंट कैरिंग कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर रखते हैं, ठीक है, तो इस वायर के फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, किस डायरेक्शन में ये कंडक्टर आपका मूव करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, आप जानते हो कि थंब जो होता है, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट करता है आपके मोशन को, यानी कि गति को। और एक फिंगर, मिडिल वाली फिंगर जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है उसके मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और एक जो फिंगर होती है वो क्या करती है, उसके करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इतना अगर आपको पता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल जो भी है उस, तो आप इतना बता सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमेशा जनरेटर के लिए यूज होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमेशा मोटर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो चलिए इतना क्वेश्चन, इससे इतनी जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज सोर्स इज द मोमेंट ऑफ कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड टू प्रोड्यूस वोल्टेज। चलिए बताइए, तो क्या बताना है कि निम्नलिखित में से किस वोल्टेज सोर्स में चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति का उपयोग वोल्टता उत्पन्न करने में होता है, तो बताइए। तो अभी हमने बताया आपको कि अगर आपको ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस करना है तो आपको दो चीज ध्यान में रखना होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड को आप मूव कराओ, या तो आप कंडक्टर को मूव कराओ, किसी एक को आपको क्या करना है, मोशन देना है, यानी कि गति देनी है, तभी आपका क्या होगा, फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। और फ्लक्स जब चेंज होगा तो वहां से हमारा क्या निकलेगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा या वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो देखिए हमेशा इस क्वेश्चन में ये कहा है कि एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया इस मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो रोटर, या रोटर को हम कह सकते हैं आपका कंडक्टर जो होते हैं वो मूव कर रहे हैं, यानी कि कंडक्टर का अगर मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में हम कह सकते हैं जो वोल्टेज इंड्यूज होगा वो कैसा वोल्टेज इंड्यूज होगा, डायनेमिकली वोल्टेज इंड्यूज होगा। ठीक है, तो डायनेमिकली वोल्टेज किसमें इंड्यूज होता है हम जानते हैं, वो किसमें होगा, ऑप्शन नंबर सी, इन ए डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में कैसा वोल्टेज इंड्यूस होता है, डायनेमिकली वोल्टेज इंड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर का मोशन हो रहा है इसमें, और जबकि फ्लक्स आपकी कैसी है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन्हें डीसी जनरेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इफ द कैपेसिटर ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल, बताइए। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक आपको सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर है, और ये इंडक्शन मोटर में आपका, हम जानते हैं कि सिंगल फेज के अगर इंडक्शन मोटर की बात करें तो कैपेसिटर टाइप का इंडक्शन मोटर है। अब इस कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर में हम जानते हैं, इसके अगर डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से आपकी ये क्या होती है, ये आपकी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, या हम इसको बोल देते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और यहाँ पे जो होता है आपका ये मेन वाइंडिंग होती है, ये क्या है, मेन वाइंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा है रोटर पोर्शन,
ठीक है। ये रोटर कैसा है, एक स्क्वायरल गेज टाइप का रोटर होता है और इस टाइप से वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है और इसी से आपका एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जाता है, किससे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग से या स्टार्टिंग वाइंडिंग से। ये मेन वाइंडिंग है, ये स्टेटर वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो कैपेसिटर यूज किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना। आप जानते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कहा है कि अगर इसको कैपेसिटर को अगर शॉर्ट कर दिया आपने, तो मान लीजिए हमने कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया। अब जैसे ही हम लोग कैपेसिटर को शॉर्ट करेंगे तो उस केस में हम जानते हैं कि कैपेसिटर से ही आपका क्या स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है। अब इस स्टार्टिंग टॉर्क ही जब डेवलप नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी कि नो स्टार्ट। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, नो स्टार्ट, यानी कि मोटर आपका स्टार्ट ही नहीं होगा उस केस में, क्योंकि टॉर्क जब लगेगा नहीं, कोई जब कोई फोर्स नहीं लगेगा उसको रोटेट कराने के लिए, तो आपका मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चन को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए सिंक्रोनस मोटर इज नोन एज द, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है, और इस इंडक्शन मोटर में आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम जानते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये कितना होता है, ये लगभग 1.5 φm कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये जो आपका क्या करता है, स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या नाम दिया गया है, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बताइए क्या होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, तो ये क्या होगा, जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो जब रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। यही मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटेट करता है इंडक्शन मशीन में या इंडक्शन मोटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इन ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कंट्रोल्स द, तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको, अब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, तो हमेशा याद रखना कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की अगर बात कर दी जाए, तो ये कैपेसिटर स्टार्ट आपका कौन सा मोटर होता है, सिंगल फेज का होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है, ये क्या चीज को कंट्रोल करती है, तो पहला ऑप्शन देखिए स्टार्टिंग टॉर्क, दूसरा ऑप्शन है स्पीड ऑफ द मोटर, तीसरा ऑप्शन है इफिशियंसी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि जहां पे कैपेसिटर आपका लगता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, इसका मेन काम क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क देना। तो स्टार्टिंग टॉर्क देना, यानी कि हम देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग टॉर्क, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर, ट्राई करिए आप लोग खुद से। क्या कहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड फॉर स्टार्टिंग सिंगल फेज मोटर, तो देखिए ये सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा मोटर स्टार्टिंग सिंगल फेज स्टार्टिंग मोटर जो है आपका किफायती मोटर है, यानी कि सबसे अच्छा मोटर है, बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, दूसरा दिया गया है स्प्लिट फेज मेथड, तीसरा दिया है इंडक्शन स्टार्ट मेथड, और फोर्थ जो दिया है रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड, बताइए आंसर क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे बेस्ट मेथड की अगर बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो वो आपका क्या होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर सबसे अच्छा होता है, यानी कि सबसे अच्छा का मतलब क्या है, ये इकोनॉमिकल भी होता है, किफायती भी होता है, ठीक है, और इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी इन सब में अच्छा होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क।
ठीक है, इतनी चीज अगर आपको पता है तो बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। तो सबसे किफायती मोटर कौन सा होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो वो आपका होता है कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। चलिए बताइए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कंपेयर्ड विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ द सेम पावर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 10 सेकंड आपको मिलते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल मोटर है और एक ट्रांसफार्मर है, तो इस इलेक्ट्रिकल मोटर और ट्रांसफार्मर में किसकी इफिशियंसी आपकी अच्छी होगी या किसकी इफिशियंसी बढ़िया होगी, बताइए। जबकि मोटर आपका सेम पावर रेटिंग के है, सेम मशीन जो है आपकी सेम रेटिंग की है, ये सेम पावर की है, ये भी सेम पावर की है, तो सबसे इफिशियंसी किसकी अच्छी होगी बताइए। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफिशियंसी आपकी हाई होती है इन कंपेयर टू मोटर के, क्योंकि मोटर में क्या होता है आपका रोटेशनल लॉस भी होता है, रोटेशनल लॉस की वजह से। और जबकि आपका जानते हैं कि ट्रांसफार्मर आपका एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, तो जब कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो उस केस में हम जानते हैं कि कोई भी रोटेशनल लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। जब रोटेशनल लॉस नहीं होगा तो उस केस में हम जान सकते हैं कि हमारी इफिशियंसी जो होगी वो इसके कंपेरिजन में ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मच हायर होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मच हायर, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर का कंपेयर करते हैं मोटर से तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है, क्योंकि उसमें रोटेशनल लॉस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, द स्क्वायर गेज बाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन द, तो आप जानते हैं कि सिंगल फेज मोटर होता है, इसमें जो स्क्वायरल गेज की बाइंडिंग्स लगाई जाती हैं वो किस पे लगाई जाती हैं, आर्मेचर पे या स्टेटर पे या रोटर पे या फील्ड पे, तो बताइए क्या होगा आंसर। बताइए, तो हमेशा याद रखेंगे जो सिंगल फेज मोटर होता है तो स्क्वायरल गेज जो बाइंडिंग्स होती हैं वो आपकी रोटर पे लगी होती हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इंडक्शन मोटर इफ द रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस देन द मैक्सिमम टॉर्क इज, बताइए। अब देखो इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर में आपका जो रोटर रेजिस्टेंस होता है यानी कि R2 होता है वो आपका इक्वल हो जाता है किसके, स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस के। स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस क्या होता है, H2। जब आपका R2 H2 के इक्वल हो जाता है तो उस केस में आपका जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है लेस देन द स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क से कम। दूसरा ऑप्शन है इक्वल टू स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वल होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है मोर देन स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क से अधिक होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए आंसर क्या होगा। तो हमेशा ध्यान देना, जब आपकी ये कंडीशन आ जाती है, जब आपका रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है तो उस केस में जो मैक्सिमम टॉर्क होता है ये मैक्सिमम टॉर्क किसके इक्वल हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क इक्वल हो जाता है किसके, स्टार्टिंग टॉर्क के, स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वल हो जाता है। ये चीज आप याद रखिए, ठीक है, इस कंडीशन को, कब,
जब आपका रोटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस रोटर का इक्वल हो जाता है, तो उस केस में मैक्सिमम टॉर्क इक्वल हो जाता है स्टार्टिंग टॉर्क के। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, यानी कि इक्वल टू द स्टार्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए अच्छा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला क्या है, इंटरपोल्स आर यूज्ड इन, तो जैसा कि आप पढ़े होंगे कि इंटरपोल्स जो होते हैं कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये तो आपको पता है कि इंटरपोल्स जो होते हैं आपके डीसी मशीन में यूज करते हैं, ठीक है। अब डीसी मशीन में जो हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि लैप बाउंड मशीन में यूज किया जाता है या बेब बाउंड मशीन्स में। ऑप्शन नंबर सी है, बोथ लैप एंड बेब बाउंड मशीन्स में, दोनों बाइंडिंग्स के लिए यूज करते हैं या नन ऑफ दीज, बताइए आंसर क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे डीसी मशीन की अगर हमने बात कर दी तो इसका मतलब है आपका चाहे आपकी वेव बाइंडिंग हो या आपकी चाहे लैप बाइंडिंग हो, दोनों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरपोल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इंटरपोल का बात कर लेते हैं, इंटरपोल में तो इंटरपोल होता क्या है, तो इंटरपोल देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे, इंटरपोल क्या होते हैं, एक नैरो पोल होते हैं, ठीक है, एक क्या होते हैं, ये नैरो पोल्स होते हैं जो आपके कहाँ लगे होते हैं, मेन पोल के। जैसे सपोज करिए ये आपका मेन पोल है, ये मेन पोल है, ये मेन पोल है और ये मेन पोल्स हैं, ठीक है, ये मेन पोल है और इन मेन पोल के ही आपके इंटरपोलर रीजन में आपके नैरो पोल्स लगे होते हैं। नैरो पोल का क्या है, इन मेन पोल के बिल्कुल थोड़े लंबे और पतले टाइप के, इन पोल मेन पोल के बीच में आपके इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं, इंटरपोल्स कहलाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये, इंटरपोल्स, इसीलिए इनका नाम पड़ा है इंटरपोल्स। क्यों पड़ा है, क्योंकि मेन पोल के पूरे इंटरपोलर रीजन में इनको लगाया गया है, इसीलिए इनका नाम इंटरपोल वाला पड़ा है। अब इस इंटरपोल का मेन काम क्या होता है, क्यों हम लोग इंटरपोल का लगाते हैं, मेन वर्क क्या होता है, तो हमेशा याद रखना इंटरपोल को हम लोग क्या करते हैं, एक आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट जो होता है, इस आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए इंटरपोल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। क्यों लगाए जाते हैं, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को कम करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फील्ड सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन, बताइए क्या होगा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फील्ड सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन। बताइए आंसर क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें अगर आपको ईएमएफ प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस करना है, तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए आपका जो ईएमएफ फील्ड सिस्टम होता है, ईएमएफ फील्ड सिस्टम जो है वो आपका कहाँ पे हो सकता है, ये पूछा गया है। फील्ड सिस्टम आपका स्टेटर पे हो सकता है, मस्ट भी होना चाहिए, या मे बी स्टेटर और रोटर, ऑप्शन नंबर सी में क्या गया है, मस्ट बी ऑन रोटर पे होना चाहिए, ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन डी दिया गया है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए। तो हमेशा ध्यान रखना अगर ईएमएफ को इंड्यूस करना है तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, स्टेटर पे है या रोटर पे है, चाहे आप रोटर पे प्लेस करो मैग्नेटिक फील्ड को या आप स्टेटर पे करो, दोनों पे आप कर सकते हो। तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मे बी ऑन स्टेटर और रोटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस को, चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, तो एक क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कहा है, इन थ्री फेज
इंडक्शन मोटर रिवर्सिंग द सप्लाई इनटू ऑफ द फेजेस इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन है, यानी कि इस इंडक्शन मोटर है थ्री फेज का, अगर उसमें दो सप्लाई को हम लोग चेंज कर देते हैं तो दो सप्लाई चेंज करने के इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लगिंग बोलते हैं, जैसा कि आप लोगों को अभी हमने बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्लगिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का ये सेशन यहीं पे खत्म होता है, और जितने भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको सारे क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो इसीलिए जो लोग इसको पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या होगा, आपको कोई भी जब नया वीडियो आएगा आपका या कोई नई क्लास जब चलेगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप लाइव आकर के क्लास ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका हमेशा याद रखना, यूपीपीसीएल जेई के लिए, यूपीपीसीएल जेई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये सेशन चल रहा है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन सीरीज चलाई है। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन जो है, जो मेरे के द्वारा चलाई जा रही है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल जो मशीन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स है, वो आपको शुभम सर लेके आते हैं डेली, तो इसलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इस चैनल को प्रॉपर तरीके से डेली अगर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम मुलाकात होगी नए सेशन के साथ। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत।